हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आज मैं आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में मैं बताऊंगा कि आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका क्या रहता है, आपका 1 जनवरी 2022 के बाद से आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना हो गया है, साथ ही साथ लेवल 1 से लेवल 9 और इसके ऊपर तक आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको कितना मिलता है, ग्रुप डी से ग्रुप ए में आपका बाइफरकेशन ट्रांसपोर्ट अलाउंस का क्या रहता है। तो सबसे पहली चीज़, जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपकी एसएससी यूपीएससी के थ्रू आपकी निकलती हैं, वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीडियो से उनके जो डाउट्स हैं सैलरी के बारे में वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप DSSB, ठीक है, ESIC, NVS या SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो सैलरी स्लिप से लेकर प्रीवियस ईयर पेपर कट ऑफ के हर एक चीज़ के वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, बताते हैं कि भाई ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका क्या रहता है। देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को आपका दिया जाता है। कई बार क्या रहता है, जैसे जो आपके DSSB या संघ शासित प्रदेश में भी, वहाँ पर आपको ये आपको अलाउंस जो है वो आपको मिलते हैं, क्योंकि इनमें जो आपका जो सैलरी वगैरह होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें ही रहती है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका इस वजह से दिया जाता है कि आप घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक में जो भी आपका एक्सपेंडिचर होता है वो आपको अलग से सैलरी में ऐड होकर मिलता है, जो कि आपने सैलरी में TPT अलाउंस के नाम से आपने देखा होगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में आपका क्या रहता है कि वो कंपनी क्या करती है कि आपको अलग से वैन या गाड़ी वगैरह की व्यवस्था करती है, जिससे आप ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जा सके। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, आपको सैलरी में ही आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रोवाइड कराती है। अब हम जानेंगे कि आपका MTS से लेके, ठीक है, आपका MTS हो गया, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट और IRS को कितना आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है वो आपको कितना मिलता है, ठीक है, और ये किस तरीके से आपका कैलकुलेट होता है, 1 जनवरी 2022 के बाद से आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका क्या हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई लेवल 1 और लेवल 2। तो लेवल 1 में आपको बता दें कि 1800 ग्रेड पे आपका लेवल 1 की होती है और 1900 ग्रेड पे आपका लेवल 2 की होती है। 1800 ग्रेड पे में आपके MTS वगैरह आ जाते हैं, 1900 ग्रेड पे में आपके क्लर्क वगैरह आपके आ जाते हैं। तो इन लोगों को जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो आपको XSET की अगर हम बात करें तो 1350 रुपये आपको मिलता है। 1350 प्लस 1350 इंटू DA, मतलब जैसे जैसे आपका DA जो होगा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होगा वो आपका बढ़ता जाएगा। अगर हम YOZ City की बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों में, सिर्फ आपका 900 रुपये आपका अलाउंस आपको मिल, 900 रुपये ये और 900 रुपये इंटू DA, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो आपको लगभग 1716 रुपये इस समय करंट में XSET में आपका दिया जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि DA जो है वो आपका अभी 31% है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका कैलकुलेट होता है। तो जैसे जैसे आपका DA बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपका बढ़ता है। बात करते हैं आपकी लेवल 3 से लेवल 8 तक। तो लेवल 3 की आपकी जो ग्रेड पे होता है वो आपका होता है 2000 ग्रेड पे, ठीक है, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होती है। और फिर आपकी 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, फिर उसके बाद 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे और आपका 4800 ग्रेड पे तक आपका रहता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें 2400 में आपके टैक्स असिस्टेंट हो गए, स्टेनो हो गए, 2800 ग्रेड पे में आपके ऑडिटर वगैरह हो गए, 4200 ग्रेड पे में ग्रेड 1 स्टेनो सीनियर टैक्स असिस्टेंट हो गए, डिविजनल अकाउंटेंट हो गए, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर हम 4600 में बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपके हो गए, इंस्पेक्टर्स हो गए, 4800 में आपके हो गए ऑडिट असिस्टेंट ऑफिसर और इनकम टैक्स वगैरह में अलग अलग ऑफिसर्स में आपका रहता है। तो इसमें आपका XCET की अगर हम बात करें तो आपका 3600 प्लस 3600 इंटू DA आपका मिलता है। YCET की बात करें तो आपका 1800 प्लस 1800 इंटू DA आपका रहता है, मतलब Z में, ठीक है। तो DA अब मैंने आपको जैसे बताया कि DA जैसे जैसे आपका इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बाकी अलाउंस जो होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपके बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। अब ये आपकी बात मैंने बता दी लेवल 3 से लेवल 8। अब हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे IRS होते हैं जो आपके UPSC के थ्रू आपके रिक्रूट रहते हैं, उनको आपको क्या अलाउंस मिल, क्या आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहता है। तो XCET की अगर बात करें तो 7200 प्लस 7200 इंटू DA मिलता है। YCET और ZCET की बात करें तो 3600 प्लस 3600 इंटू आपका DA आपका रहता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपका सबसे ज्यादा है और यही सबसे हाईएस्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो आपको दिया जाता है, जो कि आपका UPSC के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आती है उन्हीं एम्प्लॉयज को ये अलाउंस जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस इतना आपको दिया जाता है, ठीक है। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई अगर डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको वो जानकारी मिलती है जो बाकी चैनल्स पे आपको दी नहीं जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक जरूर आप करें, ओके। तो फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए।